हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, ये लेक्चर एंशिएंट इंडिया का 10th लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे द अर्ली हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया की। जो हमारा डीप साउथ पोर्शन है उसकी हिस्ट्री के बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। मतलब हम चोला, चेरा एंड पांड्या किंगडम के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। उसके बाद हम संगम लिटरेचर को भी देखने वाले हैं। इसके अलावा हम एक और टॉपिक कवर करेंगे, पोस्ट मॉडर्न एज में जो इम्पोर्टेंट क्राफ्ट्स, ट्रेड एंड टाउन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। अब दोस्तों, उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने नया नया हमारा ये चैनल, हमारा ये कोर्स ज्वाइन किया है, उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, प्रेप आईएएस ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत 17th मार्च से हो चुकी है और हमारा ये इनिशिएटिव 20th जून तक चलने वाला है। काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं। सबसे पहला है कि एकदम फ्री है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना है। हम यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा रहे हैं। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही पोर्शन को हम लोग कवर करवा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको स्टडी मटीरियल, नोट्स और हमारे तमाम वीडियोस की पीडीएफ हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। संडे को एक तो सीसेट के सेशंस होते हैं और दूसरा डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, जहां पे आप डायरेक्टली फैकल्टी से बात करके अपने डाउट्स को रिजोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी फैकल्टी, जिसे यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, भले ही वो प्रीलिम्स स्टेज हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। इसलिए फ्रेंड्स, हमारे इस इनिशिएटिव से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस इनिशिएटिव को आप अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस फ्री क्रैश कोर्स का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अगर आपको डिटेल शेड्यूल जानना हो, रजिस्ट्रेशन लिंक जानना हो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जानना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। अब दोस्तों, हम आते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले एक आपके लिए एडवाइस होगी मेरी। फ्रेंड्स देखिए, इस वाले टॉपिक में हमारा सामना काफ़ी सारी साउथ की टर्म्स से होगा और ये टर्म्स उन लोगों के लिए जो नॉर्थ से बिलोंग करते हैं शायद याद करना इतना आसान ना हो। पर दोस्तों, ये समस्या साउथ के लोगों को भी आएगी जब वो नॉर्थ की टर्म्स को देखते हैं, ठीक है। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन होगा कि हम मल्टीपल रिविजन्स करते रहें, ठीक है, और इसी से ये जो समस्या है ये सॉल्व होगी। अब दोस्तों, आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। फ्रेंड्स, अगर हम 2nd century BC की बात करें, ठीक है, तो नॉर्थ में इस समय हम क्या देखते हैं? लार्ज सेटलमेंट होते हैं, एग्रीकल्चर काफ़ी एडवांस स्टेज में होता है, आयरन इम्प्लीमेंट्स का यूज होता है, स्टेट सिस्टम हमको देखने को मिलता है, सोशल क्लासेस हमको देखने को मिलती है, राइटिंग, लिटरेचर्स, ये सब हमको देखने को मिलते हैं। बट फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें इस समय तक हमको साउथ में, जो डीप साउथ वाला एरिया होता है, जो कृष्णा रिवर के नीचे वाला एरिया है, वहाँ पर हमको नहीं देखने को मिलता है। मतलब दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह के फीचर्स हमको नॉर्थ में देखने को मिलते हैं, वो फीचर्स साउथ में काफ़ी टाइम के बाद हमको देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों, इस समय साउथ में मेगालिथिक फेज होती है, जो डीप साउथ वाला एरिया होता है वहाँ पे इस समय मेगालिथिक फेज होती है, जो कि 1200 BC से 300 BC के बीच में हम मानते हैं। अब दोस्तों, अगर हम इस मैप को ध्यान से देखें तो ये है कृष्णा रिवर, ठीक है, और इस वाले पोर्शन की आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। अब दोस्तों, अगर हम इस पोर्शन को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि ये वाला एरिया तीनों तरफ से वाटर से सराउंडेड है। इसको बोलते हैं पेनिनसुलर रीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? उस समय इस एरिया को इन्वेड करना आसान नहीं था। जबकि अगर हम नॉर्थ वाले एरिया की बात करें तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर थी, इस पर हम देखते हैं कि काफ़ी बड़े लेवल पर इन्वेजन होता है और इसीलिए हम देखते हैं कि नॉर्थ में हमको काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, वहाँ के कल्चर में, वहाँ के मटेरियल एडवांसमेंट में। पर दोस्तों, ये सब चीज़ें हमको डीप साउथ में नहीं देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर्स नहीं आते हैं।
एंड जब भी फॉरेनर्स आएंगे तो वो अपने साथ उनके आइडियाज़, उनके कल्चर लेके आएंगे, तो इसलिए साउथ में हम देखते हैं कि हिस्ट्री की शुरुआत काफ़ी लेट होती है। अब दोस्तों साउथ में हमको कब स्टेट सिस्टम वगैरह देखने को मिलेगा, जब नॉर्थ से लोग साउथ की तरफ आएंगे। अब दोस्तों ये कौन लोग होंगे जो साउथ की तरफ आएंगे, ये कुछ किंग्स हो सकते हैं, ये कुछ मॉन्ग्स हो सकते हैं, ये कुछ ट्रेडर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एरिया नेचुरल रिसोर्सेज में काफ़ी रिच था, तो ये सब लोग जब इधर आना स्टार्ट करेंगे तो इनके साथ साथ इनका कल्चर, इनके आइडियाज, इनकी ट्रेडिशंस, इनका रिलीजन भी इस एरिया में हमको देखने को मिलता है, और वो तमाम चीज़ें जो हमने नॉर्थ में देखी थी उसकी शुरुआत हमको इधर देखने को मिलती है। दोस्तों ये भूमिका बनाना काफ़ी ज़रूरी था ताकि आपका बेसिक फाउंडेशन जो है वो क्लियर हो जाए। अब दोस्तों हमने कहा था कि इस समय जो फेज चल रही थी डीप साउथ में, वो एक मेगालिथिक फेज थी। अब फ्रेंड्स सवाल उठता है कि ये मेगालिथिक फेज क्या होती है। फ्रेंड्स इस समय इस एरिया में जो लोग रहा करते थे उनको हम कहते थे मेगालिथिक बिल्डर्स। क्या कहते थे? मेगालिथिक बिल्डर्स। एंड दोस्तों ये लोग इनको हम इनकी ग्रेव्स, इनकी कब्र से हम इनको पहचानते हैं, ना कि इनके एक्चुअल सेटलमेंट से। अब दोस्तों जिस व्यक्ति की पहचान उनके द्वारा बनाई गई ग्रेव से हो रही है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि उनकी ग्रेव्स जो हैं कुछ स्पेशल रही होंगी। फ्रेंड्स इन लोगों की जो ग्रेव्स होती थी उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, इसलिए हम इनको कहते हैं मेगालिथिक बिल्डर्स। एंड दोस्तों ये जो ग्रेव्स होती थी इनमें हमको स्केल्टन के अलावा, मतलब कंकाल के अलावा, पॉटरी, कुछ बर्तन, आयरन ऑब्जेक्ट्स, ब्लैक एंड रेड वेयर, काले रंग के या फिर लाल रंग के बर्तन, ये भी हमको देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों ये बर्तन क्यों रखे जाते थे, ये ऑब्जेक्ट्स क्यों रखे जाते थे, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि जो डेड है उसको नेक्स्ट वर्ल्ड में इन चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसलिए हम इनको उसके साथ इस कब्र में दफना रहे हैं। अब दोस्तों ये जो मेगालिथिक बिल्डर्स थे ये कुछ इस तरह की इनकी ग्रेव्स होती थी, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक ग्रेव है और उसके चारों तरफ देखिए इस तरह के बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर जो हैं लगा दिए गए हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो मेगालिथिक फेस थी उसमें लोगों की पहचान हम उनके द्वारा बनाई गई ग्रेव से करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों इसके अलावा हमको कुछ आयरन के टूल्स भी मिलते हैं, जैसे कि एरो हेड्स मतलब तीर, कुछ स्पीयर हेड्स मतलब आप इसको भाला कह सकते हो, होज एंड सिकल्स। फ्रेंड्स होज क्या होता है? कुदाली, इसको बोलते हैं कुदाली, और सिकल का मतलब क्या होता है? दराती। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे, ये कुछ इस तरह का औजार होता है दराती, आपने खेतों में देखा होगा इसको यूज होता हुआ, तो वो भी हमको देखने को मिलते हैं। हालांकि दोस्तों ये चीज़ें एग्रीकल्चर में यूज होती थी, बट इस तरफ के जो लोग होते थे वो नोमेडिक लोग होते थे, जो कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते रहते थे। मेनली वो फाइटिंग पे डिपेंड करते थे, हंटिंग पे डिपेंड करते थे, फूड गैदरर वो लोग हुआ करते थे, और उस समय तक एग्रीकल्चर इतने बड़े लेवल पे नहीं होता था, ये चीज़ हमें समझनी ज़रूरी होगी। फ्रेंड्स इस फोटो में आप देख सकते हैं कि किस तरह की ग्रेव्स उनके द्वारा बनाई जाती थी। अब दोस्तों ये जो मेगालिथिक लोग होते थे ये पेनिनसुलर रीजन में जो अपलैंड एरियाज होते थे, जो पहाड़ी वाले एरियाज होते थे, वहाँ पे ये रहना पसंद करते थे, और इनका जो कंसंट्रेशन है वो मेनली ईस्टर्न आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में हमको देखने को मिलता है। दोस्तों ये फेज़ हमको 1st सेंचुरी BC तक देखने को मिलती है, और कहीं कहीं इवन जो शुरुआती क्रिश्चियन एरा है उसमें भी हमको ये वाली फेज़ देखने को मिलती है, और इसी फेज़ में हमको चोला, चेरा और पांड्या किंगडम की शुरुआत भी देखने को मिलती है, जो हमारा मेन टॉपिक है। अब दोस्तों ये जो फेज थी इसमें तमिलनाडु की जो साउथर्न डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पे हमको कुछ अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं। वो फीचर्स क्या थे? वो फीचर थे अर्न बरियल। दोस्तों ये क्या होता है अर्न बरियल? ये भी एक तरह का बरियल सिस्टम है जिसमें जो डेड बॉडी होगी उसको एक रेड पॉटरी, जिसको हम कहते हैं अर्न, उसमें रख दिया जाएगा और फिर उसको दफनाया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हमको मिली हैं तमिलनाडु की साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में। फ्रेंड्स ये जो अर्न बरियल होते थे यहाँ पे हमको स्टोन सर्किल नहीं देखने को मिले हैं, और ना ही हमको काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक सिस्टम होता है सिस्ट बरियल,
या फिर पिट बरियल जो हमने देखा था, इसमें क्या होगा, एक गड्ढा खोद दिया जाएगा या फिर एक कॉफिन टाइप जो स्टोन का कॉफिन होता है वो बनाया जाएगा और उसमें डेड बॉडी को रखा जाएगा। इसको कहते हैं सिस्ट बरियल। फ्रेंड्स ये वाला जो फोटो है इसमें देखिए एक तरह का कॉफिन यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको कहते हैं सिस्ट बरियल और इसको हम पिट बरियल भी कहते हैं। एक तरह का गड्ढा खोद के उसमें डेड बॉडी को रखा गया है। जबकि सेकेंड होता है अनबरियल, इसमें क्या होगा, एक रेड पॉटरी होगी, मतलब एक लाल रंग का बहुत बड़ा घड़ा होगा, उसमें डेड बॉडी को रखा जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों सिस्टम है जो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स ये आप मुझे बताइए इस फोटो को देख के कि ये कौन सा बरियल सिस्टम है। दोस्तों ये है सिस्ट या फिर पिट बरियल, सिस्ट या फिर पिट। फ्रेंड्स इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इस डेड बॉडी के साथ यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स भी आपको देखने को मिल रहे होंगे और इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स हमको डिफरेंट डिफरेंट ग्रेव्स में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों ये वाला जो फोटो है इसमें आप अर्न बरियल को देख रहे होंगे, एक हमको रेड पॉट यहाँ पे एक्सकेवेशन में मिले हैं और इसके अंदर हमको स्केल्टन मिलते थे। अब दोस्तों जनरली जो बच्चे लोग होंगे, जो चिल्ड्रन होंगे, उन्हीं के पॉट उन्हीं को पॉट में दफनाया जाता होगा क्योंकि साइज का इशू रहा होगा। तो दोस्तों इन दोनों ही डायग्राम से आप समझ पाए होंगे कि सिस्ट बरियल क्या होता है या फिर पिट बरियल क्या होता है एंड अर्न बरियल क्या होता है। अब फ्रेंड्स ये जो मेगालिथिक लोग होते थे ये इनको एग्रीकल्चर की नॉलेज थी, इनको चावल उगाना आता था, रागी के बारे में इनको नॉलेज थी, बट ये काफ़ी लिमिटेड स्केल पे होता था। इनका जो मेन काम था वो क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग। अब दोस्तों जब क्रिश्चियन एरा की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि ये लोग अब फर्टाइल जो रिवर बेसिन होते हैं उनकी तरफ इनका मूवमेंट हमको देखने को मिलता है, जो डेल्टा वाले एरिया होते हैं उस तरफ हमको इनका मूवमेंट देखने को मिलता है। एंड दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब नॉर्दर्न लोगों का कॉन्टैक्ट होगा साउथ के लोगों से तभी हमको नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों इस समय ये कॉन्टैक्ट होता है और हम देखते हैं कि स्टेट सिस्टम का राइज होता है और अब हम देखेंगे चोला चेरा पांड्या वो सारे स्टेट जो इस समय जिनका उदय होता है। लेकिन दोस्तों उसको देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए आवश्यक हैं। कुछ एक्सकेवेशन हुए हैं मेगालिथिक फेज के जिन पे सवाल पूछे जा सकते हैं और अभी रिसेंट एक किलाड़ी एक्सकेवेशन तमिलनाडु में हुआ था। फ्रेंड्स यहाँ पे हमको एक अर्बन सेटलमेंट मिला है, ठीक है, ये कहाँ पे है, जो रिवर वेगई है उसके बैंक्स पे, उसके किनारे पे हमको ये मिला है। दोस्तों शुरुआत में लोग ऐसा मान रहे थे कि इस एक्सकेवेशन में जो हमको आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हमको मिले हैं, वो 3rd century BC से बिलोंग करते हैं। मतलब दोस्तों वही बात है जो हम मेगालिथिक फेस की बात कर रहे थे, वही चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों जब यहाँ की कार्बन डेटिंग की गई तो हमको ये पता चला कि जो तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, फ्रेंड्स कुछ कुछ पॉट्स ऐसे हैं जिनमें हमको कुछ पिक्चर्स बनी हुई दिखी हैं, जो पिक्टोग्राफ्स हैं वो हमको देखने को मिले हैं। और जब हमने उनकी कार्बन डेटिंग की तो उसका ईयर निकल के आया 580 BC, मतलब दोस्तों 600 BC में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको अर्बनाइजेशन का दौर दिख रहा है। अब दोस्तों इससे पहले हमारी समझ क्या थी कि जो साउथ इंडिया है वो नॉर्थ इंडिया से काफ़ी पीछे चल रहा है, बट दोस्तों अगर ये चीज़ सही है कि 600 BC में यहाँ पे अर्बनाइजेशन था, तो फ्रेंड्स हमारी जो हिस्ट्री है उसको हमको फिर से चेंज करना होगा, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि 600 BC में यहाँ पे सेकंड अर्बनाइजेशन हमको देखने को मिलती है, क्योंकि पहली कौन सी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड दोस्तों नॉर्थ एरिया में सेकंड अर्बनाइजेशन हमको काफ़ी बाद में देखने को मिलती है। एंड दोस्तों इस समय जो 580 BC था, इस समय नॉर्थ में क्या हो रहा था, वहाँ पे आयरन एज थी, वहाँ पे हमको हेटरोडॉक्स सेक्ट जो हैं वो देखने को मिल रहे थे, इनके बारे में ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक्सकेवेशन हुए हैं किलाड़ी में, यहाँ पे हमको कुछ स्केल्टन्स भी मिले हैं, जैसे कि काउ, ऑक्स, बफेलो, शीप, गोट, इन सब के, मतलब एनिमल्स का काफ़ी बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर में यूज होता था। कुछ पॉटरी भी मिली है और उसमें लोकली अवेलेबल मटेरियल यूज़ किया गया है। इसके अलावा हमको काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे वीविंग इंडस्ट्री काफ़ी बड़े लेवल पे चलती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें हमको किलाड़ी का जो एक्सकेवेशन हुए हैं वहाँ पे हमको देखने को मिली है। एंड फ्रेंड्स इस स्लाइड में आप किलाड़ी के एक्सकेवेशन को देख सकते हैं,
ये सेटलमेंट की फोटो है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ये पॉट्स हमको वहाँ पे मिले हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे रिंग वेल हमको मिला है, और ये हम नॉर्थ में काफ़ी समय के बाद देखते हैं, रिंग वेल्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस लिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, हालांकि इस पे अभी तक कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है, हमें अपडेट रहना होगा समय के हिसाब से। दोस्तों किलाड़ी के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिस पे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अदिचा नल्लूर, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। एंड दोस्तों ये साइट क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे हमको अर्न बरियल देखने को मिलते हैं। अगली साइट आती है ब्रह्मगिरी, जो कि कर्नाटका में है। एंड फ्रेंड्स ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमको सिस्ट या फिर पिट बरियल देखने को मिले हैं। एंड फ्रेंड्स ये वही प्लेस है जहाँ पे महर्षि गौतम और अहल्या जो है वो रहा करते थे। इसके अलावा अगली साइट है कोडुमनाल, ये तमिलनाडु की साइट है। एंड लास्ट साइट है शिवागलई, फ्रेंड्स ये साइट भी तमिलनाडु में है। तो ये पांचों साइट आपको याद रखनी होगी कि इनका संबंध मेगालिथिक फेस के साथ है, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे डीप साउथ में जो अर्ली किंगडम्स थे उनके बारे में। फ्रेंड्स साउथ में ये जो कृष्णा रिवर है, इसके साउथ में हमको तीन किंगडम देखने को मिलते हैं, चोला, पांड्या एंड चेरा। एंड फ्रेंड्स ये तीनों ही किंगडम जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है उनमें भी मेंशन है। एंड फ्रेंड्स अशोकन इंस्क्रिप्शन 3rd सेंचुरी BC के हैं, तो इससे हमको ये आइडिया लगता है कि जब नॉर्थ में मौर्यन किंगडम चल रहा था, तो उस समय साउथ में जो डीप साउथ था वहाँ पे चोला, चेरा और पांड्या जैसे किंगडम हमको देखने को हम मिलते हैं। एंड दोस्तों ये जो अशोका का टाइटल था डियर टू गॉड, ये जो तमिल चीफ्स हुआ करते थे उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। फ्रेंड्स इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि जब नॉर्थ से लोग साउथ में आएंगे तभी हमको यहाँ पे किंगडम्स जो हैं देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स इस मैप में आप संगम पीरियड में चोला, पांड्या एंड चेरा किंगडम के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स संगम पीरियड क्या है, ये जो पीरियड की हम बात कर रहे हैं 3rd सेंचुरी BC वाला, इसको हम संगम पीरियड कहते हैं और इसको हम आगे डिटेल में अभी कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डीप साउथ वाला एरिया था यहाँ पे चोला, चेरा और पांड्या तीन किंगडम जो है इनका राइज हुआ था। अब दोस्तों ये जो तीनों किंगडम थे इनकी अपनी अपनी कैपिटल थी, एम्बलम था और इनके प्रीमियम पोर्ट्स भी हुआ करते थे, और इनके नाम हमें याद रखने होंगे। अगर हम बात करें पांड्या की तो इनकी कैपिटल थी मदुरई में, एम्बलम क्या है फिश, और इनका प्रीमियम पोर्ट कौन सा था कोरकई। दोस्तों पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, इन पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं UPSC में। चोलास की बात करें तो इनकी कैपिटल थी उरैयूर में, एम्बलम है टाइगर, पुहर या फिर मॉडर्न कावेरीपट्टनम इनका प्रीमियम पोर्ट हुआ करता था। वहीं अगर हम चेरा की बात करें तो वांजी करूवूर इनकी कैपिटल थी, बो एंड एरो इनके एम्बलम थे और टोंडी एंड मुचिरी इनके प्रीमियम पोर्ट हुआ करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों वन बाय वन तीनों किंगडम के बारे में बात करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट किंग्स की बात करेंगे, ठीक है। एंड फ्रेंड्स सबसे पहले आता है पांड्या किंगडम। दोस्तों जो मेगस्थनी थे फ्रेंड्स, मेगस्थनी किसके कोर्ट में एम्बेसडर बन के आए थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके कोर्ट में ये एम्बेसडर बन के आते हैं। एंड दोस्तों इनका जो अकाउंट है इंडी का उसमें हमको पांड्या किंगडम के बारे में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के फेज में ये जो डीप साउथ वाले किंगडम थे ये अस्तित्व में आ गए थे। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये कंटेम्प्ररी थे, ये समकालीन थे। अब फ्रेंड्स ये जो मेगस्थनी का अकाउंट है इसमें क्या बताया गया है पांड्या किंगडम के बारे में, पांड्या किंगडम वॉज सेलिब्रेटेड फॉर पर्ल्स, मोतियों के लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध था, ठीक है, एक वुमेन के द्वारा रूल किया जाता था। तो दोस्तों इससे हम ये तो कह सकते हैं कि एक तरह की मैट्रियाचल सोसाइटी होती थी। इनकी कैपिटल कहाँ पे थी, मदुरई में। एंड फ्रेंड जो संगम लिटरेचर है, फ्रेंड संगम लिटरेचर क्या होता है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको काफ़ी डिटेल में करने वाले हैं। संगम लिटरेचर ने भी पांड्या के बारे में बात की है और ये बताया कि ये जो किंगडम हुआ करता था ये काफ़ी रिच, वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस किंगडम हुआ करता था, और इनकी
वेल्थ का सबसे बड़ा कारण क्या था? रोमन एम्पायर से इनकी ट्रेड होती थी फ्रेंड्स। दोस्तों आप ये एरिया देखिए, ठीक है, ट्रेडिंग में ये जो तीनों किंगडम थे इनको काफ़ी फायदा होता था क्योंकि ट्रेड करना काफ़ी आसान था समुद्र के माध्यम से, ठीक है, तो इससे इनको काफ़ी अच्छा मुनाफा होता था। ये जो पांड्या किंग्स थे ये वैदिक सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म किया करते थे। अब दोस्तों ये तो थी इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, अब हम बात करेंगे इनके इम्पोर्टेंट किंग्स के बारे में। दोस्तों जो इनके इम्पोर्टेंट किंग्स थे वो कौन से थे? नेदुन जेलियन वन और सेकंड है नेदुन जेलियन टू। फ्रेंड्स इनके बारे में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट जो नेदुन जेलियन वन है इसका संबंध है सिलापदी करम से, तो ये आपको याद रखना होगा। और ये सिलापदी करम क्या है? जो तमिल टेक्स्ट होते हैं उनकी एक एपिक है, जैसे हमारे रामायण महाभारत होते हैं वैसे ही जो तमिल टेक्स्ट हैं उसकी एपिक का क्या नाम है? सिलापदी करम। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट किंगडम आता है चोला किंगडम। फ्रेंड्स इनका पावर सेंटर, इनकी कैपिटल क्या थी? उरैयूर, जो कि कॉटन ट्रेड के लिए फेमस था। एंड इनके वन ऑफ द फेमस किंग कौन थे? किंग एलारा। और ये क्यों फेमस थे? क्योंकि इन्होंने श्रीलंका को कॉन्कर किया था और 50 ईयर्स के लिए उसको रूल भी किया था। और ये कब हुआ था? 2nd सेंचुरी BC में। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना होगा, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों इनके इम्पोर्टेंट किंग होते थे किंग करिकला। दोस्तों कब होते थे? 2nd सेंचुरी AD में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्होंने काफ़ी कुछ काम किए थे जिन पे सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला इन्होंने पुहर को फाउंड किया था, जो कि कावेरी पट्टनम है, जो कि इनकी एक पोर्ट सिटी हुआ करती थी, उसको इन्होंने फाउंड किया था और यहीं से ट्रेड एंड कॉमर्स इनकी सबसे ज़्यादा होती थी। तो दोस्तों ये आपको याद रखना होगा कि जो कावेरी पट्टनम है या फिर पुहर है उसके फाउंडर कौन थे? किंग करिकला। एंड फ्रेंड्स इनसे जुड़ा सेकेंड इम्पोर्टेंट काम ये है कि कावेरी रिवर पे इन्होंने इम्बैंकमेंट यानी कि एक तरह का डैम बनाया था। और इसका पर्पस क्या था? ताकि एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए वाटर को चैनलाइज किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों बैटल ऑफ वैनी, इसका संबंध भी किंग करिकला के साथ है, क्योंकि इसमें इन्होंने पांड्या चेरा की जो कॉन्फिडरेसी थी उसको डिफीट किया था। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ वैनी का संबंध किसके साथ है? तो आपका जवाब होगा किंग करिकला। अब फ्रेंड्स इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको नोट्स में देने की कोशिश की है। अब दोस्तों ये जो चोला किंगडम था इनका वेल्थ का मेन सोर्स क्या था? वो था कॉटन क्लॉथ की ट्रेड। दोस्तों ये सवाल पूछा जा सकता है कि चोला जो एम्पायर था उनका वेल्थ का मेन सोर्स क्या था? तो जवाब आपका क्या होगा? कॉटन क्लॉथ की ट्रेडिंग से उनको काफ़ी मुनाफा होता था। इनके पास काफ़ी एफिशिएंट नेवी थी, लेकिन दोस्तों अगर इनके बाद के सक्सेसर की हम बात करें तो वो वीक थे। और फिर हम देखते हैं कि जो चोला एम्पायर है वो उसका डिक्लाइन होता है। एंड दोस्तों हम चोला एम्पायर को एक बार फिर से पढ़ेंगे कब? जब हम मिडिवल इंडिया की बात करते हैं तब चोला जो है वो फिर से एक बार पिक्चर में आते हैं। तो हम दो बार इनको पढ़ते हैं, फर्स्ट फेज ये वाली है और सेकंड फेज बाद में आएगी। 4th से लेकर 9th सेंचुरी AD के बीच में इनका काफ़ी मार्जिनल रोल होता है। क्यों? क्योंकि जो पांड्या होते हैं, जो चेरा होते हैं, वो दोनों मिलके इनको डिफीट कर देते हैं, इसलिए इनका जो डोमिनेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है। और फिर सेकंड फेज जब हम देखेंगे तब ये फिर से अपना एक एम्पायर बनाने में कामयाब होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी चोला के बारे में। दोस्तों अब जो तीसरा किंगडम आता है वो है चेरा किंगडम या फिर केरला, या फिर इन्हें केरला पुत्र भी कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों एक ही किंगडम के नाम है। एंड दोस्तों इनके बारे में हमको थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, जो पुगलुर इंस्क्रिप्शन है उसमें इनके बारे में मेंशन किया हुआ है। रोमन के साथ इनकी भी ट्रेडिंग होती थी और इसी की वजह से काफ़ी वेल्दी एंड प्रोस्पोरस ये किंगडम हुआ करता था। इनके जो इम्पोर्टेंट किंग्स थे उनमें सबसे पहले थे नेदुन जेराल अदान। एंड दोस्तों इनके बारे में क्या चीज़ फेमस थी? इनको अधिराजा का टाइटल दिया हुआ था। तो ये प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, टाइटल ऑफ अधिराजा। और ये किसको दिया गया था? चेरा किंग नेदुन जेराल अदान को। फ्रेंड्स जो चेरा किंगडम था उसके सबसे फेमस किंग है सेंगुट्टुवन, जिन्हें रेड चेरा या फिर गुड चेरा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स इनका क्या नाम है? सेंगुट्टुवन
और इनको रेड चेरा या फिर गुड चेरा के नाम से भी जाना जाता है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने नॉर्थ में इन्वेजन किया था और इवन जो रिवर गंगा थी उसको भी इन्होंने क्रॉस कर लिया था, इसलिए इनको ग्रेटेस्ट चेरा किंग कहते हैं। पट्टिनी कल्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तमिलनाडु में, और इसका पर्पस क्या था कि जो कन्निगी है, जो सिलापदिकुरम जो इनका एपिक है उसमें लीड जो रोल निभाया है वो कन्नगी ने निभाया है, तो उसकी वर्शिप के लिए पट्टिनी कल्ट को इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों। इसके अलावा सेंगुटुवन ने साउथ इंडिया से पहली बार चाइना के लिए एम्बेसी भेजी थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे सवाल पूछा जा सकता है। अब दोस्तों ये जो तीनों किंगडम हमने देखे, चोला, चेरा और पांड्या, ये तीनों ही किंगडम आपस में कॉन्टिन्यूस वॉर करते रहते थे, और इनसे इनके रिसोर्सेज पे काफ़ी गहरा असर होता था, और इससे ये स्टेट काफ़ी वीक भी हो जाते हैं। दोस्तों ये जो तीनों स्टेट थे इनको बहुत सारा प्रॉफिट होता था, एक तो फॉरेन ट्रेड से और दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज से। अब दोस्तों देखिए, क्योंकि ये एक पेनिनसुलर रीजन है, तीनों तरफ से वाटर है, तो आप आराम से ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में ट्रेडिंग कर सकते हो, और नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी सारे थे, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है, मींस आप ज़्यादा ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, किस चीज़ की ट्रेडिंग होती थी? स्पाइसेस, पेपर, जो काली मिर्च होती है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इसकी काफ़ी सारी डिमांड थी। एंड दोस्तों जब हमने मॉडर्न इंडिया स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि जो इंडिया की खोज हुई थी, जो उसको डिस्कवर किया गया था, उसका पीछे का एक कारण ये भी था क्योंकि पेपर चाहिए था, क्योंकि काली मिर्च चाहिए थी, वेस्टर्न वर्ल्ड को ट्रेडिंग से काफ़ी मुनाफा हो रहा था। एलिफेंट्स थे इनके पास जिससे आइवरी बनता था, पर्ल्स एंड माइंस थी जिससे प्रीशियस स्टोन्स मिलते थे, इसके अलावा मुस्लिन एंड सिल्क भी ये प्रोड्यूस करते थे। इसलिए दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो तमिल किंगडम्स थे, ये ग्रीक, अरेबिया, मलेशिया, चाइना, इन सब के साथ इनकी ट्रेडिंग होती थी, और इस डायग्राम में आप इनकी ट्रेडिंग के रूट्स को भी देख सकते हो। एंड दोस्तों जब 1st सेंचुरी AD में मानसून को डिस्कवर किया था, जब लोगों को पता चल गया था कि किस सीजन में हवाएं इस डायरेक्शन में चलेंगी और किस सीजन में हवाएं उल्टी डायरेक्शन में चलेंगी, तो अब इसका फ़ायदा भी लोग लेने लग गए थे, और इससे हम देखते हैं कि ट्रेड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड दोस्तों जब ये ट्रेड कम हो जाएगी तब हम देखेंगे कि ये जो किंगडम है इनका भी डीके स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इनके प्रॉफिट का जो सबसे बड़ा सोर्स था वो ये था कि ये जो तीनों किंगडम थे ये काफ़ी बड़े लेवल पे फॉरेन ट्रेड करते थे, क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। अब दोस्तों हम बात करेंगे संगम लिटरेचर की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड दोस्तों ये जो संगम पीरियड है, जो संगम एज है, ये कब से कब तक मानी जाती है? 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी CE के बीच में, ये जो 600 साल का पीरियड है इसको हम संगम एज कहते हैं। और दोस्तों इससे जुड़ा जो लिटरेचर है वो कौन सा है? संगम लिटरेचर है। अब फ्रेंड्स देखिए, जब हमने वैदिक पीरियड देखा था तो उसमें हमने ये देखा था कि जो वैदिक पीरियड है उसमें हमने हिस्ट्री को वेदों से रिकंस्ट्रक्ट किया है, जो वेदाज हैं उसके बेसिस पे हमने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है। और इन वेदाज का क्या सिस्टम था? शुरुआत में इनको ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट किया जाता था, और फिर बाद में इनको कंपाइल किया गया, ठीक है। और क्योंकि उस फेज को हमने वेदों के माध्यम से रिकंस्ट्रक्ट किया था, इसीलिए हमने उसको कहा था वैदिक पीरियड। तो वही सेम सिस्टम यहाँ पर है, इस फेज को हम संगम लिटरेचर के बेसिस पे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं संगम एज, ठीक है। और दोस्तों संगम लिटरेचर में हमको काफ़ी सारी पोएम्स देखने को मिलती हैं। संगम का मतलब क्या होता है? एक असेंबली, जो डीप साउथ वाला एरिया था उसमें पोइट्स की असेंबली हुआ करती थी, और उस असेंबली में बहुत ही सारी पोएम्स को कंपोज किया जाता था, इसको कहा जाता था संगम असेंबली। संगम मतलब एन असेंबली और मीटिंग टुगेदर ऑफ तमिल पोइट्स। एंड दोस्तों टोटल तीन संगम, मतलब टोटल तीन मीटिंग्स हमको देखने को मिलती है, और इनको क्या कहते हैं? मुच चंगम। तो फ्रेंड्स ये आपको याद होना चाहिए, मुच चंगम मतलब क्या है? संगम के बारे में बात हो रही है। और इस पे किसका रॉयल पेट्रोनेज था? जो पांडियन किंग्स थे मदुरई के, उनका इस पे पेट्रोनेज होता था।
एंड दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पोएम्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ओरली ट्रांसमिट होती थी और उसके बाद इनको जो है कंपाइल किया गया था। फ्रेंड्स कब इनको कंपाइल किया गया था, 300 से 600 एडी वाला जो पीरियड था उसमें इनको कंपाइल किया गया था। इनको कंपोज तो काफ़ी पहले कर लिया गया था, इनको कंपाइल किया गया था 300 से 600 एडी वाले पीरियड में। अब दोस्तों ये जो संगम है ये टोटल 3 संगम है। फर्स्ट संगम हुई थी मदुरई में एंड फ्रेंड्स इसके चेयरमैन कौन थे, ऋषि अगस्त्य, जो कि साउथ में एंटर करने वाले पहले ब्राह्मण माने जाते हैं। फ्रेंड्स इस संगम का कोई भी लिटरेरी वर्क हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमें केवल इतना पता है कि इस वाले संगम में गॉड एंड गॉडेस ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, किसी भी तरह का लिटरेरी एविडेंस हमारे पास नहीं है। सेकेंड जो संगम थी वो हुई थी कपाटपुरम में एंड फ्रेंड्स इसमें कौन चेयरमैन थे, अगस्त्य थे शुरू में और बाद में थे टोलका पियर। फ्रेंड्स ये नाम आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त्य जो ऋषि थे उनके डिसिपल थे टोलका पियर एंड वो उन्होंने बाद में इसको प्रिसाइड किया था। एंड दोस्तों इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है कि जो टोलका पियर है इन्होंने तमिल ग्रामर पे एक बुक लिखी थी और उस बुक का क्या नाम है, टोलका पियम। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना होगा, टोलका पियर ने एक तमिल ग्रामर की बुक लिखी है और उस बुक का क्या नाम है, टोलका पियम। अब फ्रेंड जो थर्ड संगम थी वो भी मदुरई में होती है और उसको किसने प्रिसाइड किया था, नक्कीरार ने उसको प्रिसाइड किया था। फ्रेंड्स किसने किया था, नक्कीरार। दोस्तों ये नाम थोड़े से डिफिकल्ट हैं बट जब आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा। एंड दोस्तों हमारे पास अभी जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है वो मैक्सिमम जो है वो थर्ड संगम से आता है। एंड दोस्तों ये संगम लिटरेचर के बेसिस पर ही हम इस पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। जो हमने चेरा, चोला, पांड्या किंगडम की बात की है इनके बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन हमको संगम लिटरेचर से ही मिलती है। अब फ्रेंड्स हम डिटेल में बात करेंगे संगम लिटरेचर के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं। सबसे पहला है टोलका पियम, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये तमिल ग्रामर बुक है। उसके बाद आता है एटूट कोई। फ्रेंड्स एटूट कोई, इसको एटूट गोई भी कहते हैं, ठीक है। देन आता है पटूप पट्टू, उसके बाद आता है पथिनेन किल कनक्कू। फ्रेंड्स ये नाम थोड़े टिपिकल हैं बट आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा दो एपिक्स भी आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ रामायण महाभारत हैं वैसे ही वहाँ पे हैं शिला पथिकरम एंड मनी मेगा लई। तो दोस्तों ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। अब फ्रेंड्स जब हम संगम लिटरेचर की बात करते हैं तो इसमें मेनली हमको 8 स्टोरीज देखने को मिलती हैं जिसको हम कहते हैं द 8 एंथोलॉजीज और तमिल में उसको कहते हैं द एटूट कोई। फ्रेंड्स एटू का मतलब होता है 8, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। अब दोस्तों ये जो एटूट कोई है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है पटूप पट्टू जो कि 10 सॉन्ग्स को हम कहते हैं और सेकेंड डिविजन है पथिनेन किल कनक्कू जिसमें एथिक्स एंड मोरल्स के बारे में बात कही गई है। तो दोस्तों ये डिवीजन आपको याद होना चाहिए, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स जो टोलका पियम में ये होने में तो एक तमिल ग्रामर की बुक है लेकिन इसमें हमको उस समय की सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में भी देखने को मिलता है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स ये जो संगम लिटरेचर है इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, पहला है नरेटिव और दूसरा है डाइडेक्टिक। अब ये होता क्या है, फ्रेंड्स नरेटिव टेक्स्ट वो होते हैं जहाँ पे हम किसी तरह की स्टोरी या कहानी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे रामायण महाभारत होती है। दूसरा आता है डाइडेक्टिक टेक्स्ट। फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, यहाँ पे डायरेक्शंस दी जाती हैं, डी से डाइडेक्टिक और डी से क्या है डायरेक्शन। जब आप किसी को कोई कमांड देते हो, रूल्स रेगुलेशन आप इस्टेब्लिश करते हो तो उसको कहते हैं डाइडेक्टिक टेक्स्ट। फ्रेंड्स जैसे कि रामायण महाभारत एक नरेटिव टेक्स्ट हो गया तो डाइडेक्टिक का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि जो हमारे मनुस्मृति है, मनुस्मृति वो इसी का एक एग्जांपल हो जाएगा जो कि एक हिंदू लॉ बुक है। अब फ्रेंड्स संगम लिटरेचर में ये जो नरेटिव टेक्स्ट है इसके लिए एक नाम यूज़ किया गया है, वो क्या है, मेलका नक्कू। फ्रेंड्स मेलका मतलब क्या होता है,
मेजर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना होगा, मेलका नक्कू मतलब क्या है, नरेटिव टेक्स्ट, और डाइडेक्टिक के लिए वर्ड यूज किया है किलका नक्कू। फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना होगा, थोड़ा सा याद रखने में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब आप मल्टीपल रिविजन करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों इसके अलावा जो अगला लिटरेचर है वो क्या है, तिरुकुरल। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके रचयिता कौन है, तिरुवल्लुवर। फ्रेंड्स इसको तमिलनाडु का फिफ्थ वेद भी कहते हैं, तमिल की बाइबल भी कहते हैं। इसमें एथिक्स, फिलोसॉफी, पॉलिटी, लव, इन सब के बारे में जानकारी हमको मिलती है। इसके बाद आते हैं तमिल एपिक्स, वो दो हैं, शिलापदिकरम और दूसरा है मनी मेकालाई। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। जहाँ तक शिलापदिकरम की बात है, इसमें बेसिकली तीन जो हैं वो इसमें कैरेक्टर होते हैं, एक होते हैं कोवलन, इनकी वाइफ होती है कन्नगी, और तीसरा कैरेक्टर है माधवी, और इन तीनों के ही इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, और इस पूरी कहानी को बताया गया है शिलापदी क्रम में। और फिर दूसरा जो एपिक है वो आता है, उसका नाम है मनी मेकालाई, जो कि शिलापदी क्रम का एक सीक्वल माना जाता है। एंड दोस्तों इसमें कैरेक्टर कौन है, कोवलन और माधवी से जो बेटी पैदा होती है उसके बारे में मनी मेकालाई में बात कही गई है, वो कहानी पूरी यहाँ पर की गई है। एंड दोस्तों ये जो शिलापदी क्रम है इसको किसने लिखा है, एलांगो आदिगल ने, ये आपको याद रखना होगा, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम मनी मेकालाई की बात करते हैं तो उसके राइटर कौन है, सित्तलई सतनार। ये दोनों नाम फ्रेंड्स आपको याद रखने होंगे, इन पर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। अब दोस्तों ये जो संगम लिटरेचर है इसमें बेसिकली दो थीम जो हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। सबसे पहली थीम है अहम, या फिर अगम भी आपको देखने को मिलेगा, और दूसरी थीम है पुरम। फ्रेंड जो अहम थीम है इसमें बेसिकली हमको लव, सेक्सुअल रिलेशंस, इस तरह की थीम पे हमको चीज़ें देखने को मिलती हैं। जबकि जब हम पुरम की बात करते हैं तो वहाँ पर सोशल लाइफ, एथिक्स, कस्टम्स, वेलर, इन सब थीम के बारे में हमको जानने का मौका मिलता है। तो दोस्तों ये थीम भी हमको पता होनी चाहिए कि अहम और पुरम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब दोस्तों ये जो संगम लिटरेचर था, हमने देखा कि पोइट्स की असेंबली होती थी जिन्होंने इसको कंपोज किया था। अब दोस्तों ये जो पोइट्स की असेंबली थी इसमें हमको वुमेन पोइट्स भी देखने को मिलते हैं, और सबसे फेमस फीमेल पोइट कौन थी, उसका नाम था अवैयार। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना होगा, अवैयार ये एक फीमेल पोइट थी जो संगम असेंबली में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब दोस्तों ये जो संगम लिटरेचर है इससे हमको उस समय की सोसाइटी, उसके कल्चर के बारे में एक क्लियर पिक्चर पता चलती है, इसलिए ये लिटरेरी सोर्सेज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको कब कंपाइल किया गया था, 300 से 600 AD के बीच में। अब फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिया संगम लिटरेचर के बारे में, अब हम बात करेंगे उस समय की सोसाइटी के बारे में, किस तरह से पॉलिटी वगैरह होती थी, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। एंड फ्रेंड्स ये सब इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है, संगम लिटरेचर से ये हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। फ्रेंड्स उस समय जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो बेसिकली हेरिडेटरी मोनार्ची हुआ करती थी, मतलब राजा लोग होते थे जो कि हेरिडेटरी बेसिस पे राज करते थे। उनको असिस्ट करने के लिए ऑफिशियल्स की बॉडी होती थी, और ये ऑफिशियल्स कौन कौन से थे, मिनिस्टर्स जिनको कहते थे अमेचर, देन प्रीस्ट मतलब पंडित इनको कहते थे अंथनार, देन एनवॉयज इनको कहते थे तूथर, मिलिट्री कमांडर्स सेनापति, एंड स्पाइज मतलब ओरर। तो ये नाम आपको दोस्तों याद रखने होंगे। तो ये वो ऑफिशियल्स थे जो कि किंग को असिस्ट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन करने में। अब दोस्तों अगला आता है इकोनॉमी। फ्रेंड जो टोलका पीएम है इसमें लैंड का फाइव फोल्ड डिवीजन बताया गया है, और इसको किस नाम से संबोधित किया गया है, तिनाई के नाम से। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये फाइव फोल्ड डिवीजन कौन सा है, सबसे पहला डिवीजन है कुरिंजी लैंड। ये लैंड कौन सी होती थी, जो हिली एरिया, जो पहाड़ी वाली लैंड होती थी उनको डिवाइड किया था कुरिंजी लैंड के नाम से। दूसरी आती है मुलई,
जो पास्टोरल जहाँ पे पशु चरने जाते होंगे उसको कहा गया है मुलई लैंड। तीसरा आता है पालाई, जो एरिड जोन होता था, ठीक है, जहाँ पे सूखा वगैरह पड़ता होगा, ठीक है, उसको कहा गया है पलाई लैंड। देन फोर्थ कैटेगरी है मरुदम, ये एग्रीकल्चरल लैंड को नाम दिया गया था। और सबसे लास्ट में जो सी कोस्ट के आसपास की जो लैंड थी उसको कहा गया था नाइटल। फ्रेंड्स ये पांचों नाम आपको याद रखने होंगे, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, लैंड का फाइव फोल्ड डिवीजन होता था, कुरिंजी लैंड, मुलई, पलाई, मरुदम एंड नेतल। एंड दोस्तों लैंड के हिसाब से ही आप क्या काम कर सकते हो वो भी डिफाइन किया गया था। जैसे कि कुरिंजी लैंड, यहाँ पे हंटिंग कर सकते हो, गैदरिंग कर सकते हो। मुलई लैंड में आप एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो। जो पलाई लैंड है, जो कि एक सूखी जो लैंड है, वहाँ पे आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे प्लंडरिंग वगैरह होती थी। ठीक है, चौथी लैंड क्या है, मरुदम, वहाँ पे आप एग्रीकल्चर करोगे। और पांचवी लैंड कौन सी है, नईतल, वहाँ पे आप फिशिंग और सॉल्ट मेकिंग एक्टिविटी करोगे। तो दोस्तों ये फाइव फोल्ड डिवीजन था लैंड का, और उसी के बेसिस पे किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी वो हमको देखने को मिलती है। इस दौरान जो एग्रीकल्चर था वो इनका मेन ऑक्यूपेशन था, और जो इनकी चीफ क्रॉप्स थी वो कौन सी थी, राइस, कॉटन, रागी, शुगर कैन, पेपर, जिंजर, इस तरह की चीज़ें ये लोग उगाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्योंकि इस रीजन में कोई पेरेनियल रिवर नहीं थी, मतलब ऐसी रिवर जिनमें 12 महीने पानी बहता हो वो नहीं थी, तो इस दौरान हमको टैंक्स एंड डैम्स भी देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स हमने किंग करिकला देखा था कि किस तरह से कावेरी रिवर पे उन्होंने एम्बैंकमेंट बनवाया था, तो वो इसका एक एग्जाम्पल है। काफ़ी सारी हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटीज़ भी होती थी, कुछ वीविंग एक्टिविटीज़ होंगी, शिप बिल्डिंग एक्टिविटी होंगी, कारपेंट्री होंगी, वो सब हमको इस फेज़ में देखने को मिलती है। अब दोस्तों जो ट्रेडिंग होती थी वो फॉरेन और इंटरनल दोनों ही होती थी। अब क्योंकि आप एक पेनिनसुलर रीजन में हो तो आप ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में दोनों तरफ से ट्रेडिंग कर सकते हो, और इंटरनल ट्रेडिंग मतलब आप साउथ से नॉर्थ में, नॉर्थ से साउथ में हमको ट्रेडिंग देखने को मिलती है, और ये रिवेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हुआ करता था। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा था कि ये लोग कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे के साथ वॉर किया करते थे, तो उसकी जो स्पॉइल्स होती थी, जो वॉर बूटी होती थी, वो भी एक सोर्स होता था रिवेन्यू का। बट दोस्तों जो मेन जो इनकम इनको मिलती थी वो मिलती थी एग्रीकल्चर से, और उसी के बेसिस पे वॉर एंड पॉलिटी जो है वो कंडक्ट होती थी। अगर हम आर्मी की बात करें तो इनके पास रेगुलर आर्मी थी, ठीक है, और उसमें एलिफेंट का यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ तक हॉर्स की बात है उसका भी यूज़ होता था, बट ये जो हॉर्स होते थे ये इम्पोर्ट किए जाते थे, ये यहाँ पे नहीं मिलते थे, इनको इम्पोर्ट किया जाता था। फ्रेंड्स हमने देखा कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही ट्रेड होती थी, और इसके लिए जो सिटीज़ होती थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कुछ पोर्ट्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो एक बार हम उन पर नज़र मार लेते हैं। अगर हम चेरा की बात करें दोस्तों, तो मुजरिस उनका एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। अगर हम पांड्या की बात करें तो जो उनकी कैपिटल सिटी थी मदुरई, वो क्यों फेमस थी, क्योंकि वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी थी, आइवरी मेकिंग का काम वहाँ पे होता था। आइवरी मतलब दोस्तों जो हाथी दांत वाला काम होता है वो यहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे होता था। कोरकई ये पांड्या किंगडम में इम्पोर्टेंट पोर्ट था, जो कि पर्ल्स के लिए मतलब मोतियों के लिए काफ़ी फेमस था। जो चोला किंगडम था उसकी कैपिटल सिटी कौन सी थी, उरैयुर, और वो क्यों फेमस थी, वो बहुत ही ग्रैंड सिटी थी, काफ़ी ह्यूज बिल्डिंग्स हमको वहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा चोला एम्पायर का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट था पुहर या फिर कावेरी पट्टनम। अब दोस्तों इस किंगडम में, इन तीनों किंगडम में मार्केट प्लेस के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, और वो वर्ड कौन सा है, अवनम, तो ये आपको याद रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट टर्म है। अब दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे कि संगम इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा, ट्रेड विद द रोमन्स, और इसकी वजह से ही हम देखते हैं कि संगम इकोनॉमी थी वो काफ़ी फ्लोरिश इकोनॉमी हुआ करती थी। एंड दोस्तों अगर आपको ये चीज़ जाननी हो कि इंडिया एंड रोमन एम्पायर के बीच में जो ट्रेडिंग होती थी उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो उसके लिए आपको एक बुक जो है फॉलो करनी होगी, वो कौन सी है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। इसमें आपको मोस्ट वैल्यूएबल अकाउंट मिलेगा इंडिया एंड रोमन एम्पायर के बीच की ट्रेडिंग का।
फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है उनमें किंग्स के लिए एक वर्ड यूज़ किया है, वो वर्ड क्या है? को। तो ये आपको याद रखना होगा। ये जो संगम एज वाला पीरियड है, इस वाले पीरियड में तमिल लैंड में पहली बार ब्राह्मण्स हमको देखने को मिलते हैं। जहाँ तक वर्णा सिस्टम की बात है तो उसका कॉन्सेप्ट इन लोगों को पता था, बट शुरुआती फेज में किसी भी तरह का एक्यूट कास्ट डिस्टिंक्शन हमको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब हम लेटर पीरियड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको एक्यूट कास्ट डिस्टिंक्शन देखने को मिलते हैं। इस समय सोसाइटी में जो स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स डिविजन का जो बेसिस था वो क्या था? कुटी। फ्रेंड्स, कुटी मतलब कुटिया, और कुटिया मतलब जहाँ पे एक फैमिली रहती है। तो कुल के आधार पे जो ग्रुप्स का डिवीजन है उसको कहा गया था कुटी, और यही उस समय की सोसाइटी का बेसिस था स्ट्रेटिफिकेशन करने का। उस समय जो रूलिंग कास्ट होती थी उसको कहा जाता था अरासर। फ्रेंड्स, उस समय टोटल 4 कास्ट होती थी, ठीक है, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। जो फर्स्ट क्लास थी वो थी रूलिंग कास्ट, और इसके लिए वर्ड यूज़ किया है अरासर। इसके अलावा जो रिच पीजेंट्स, जो अमीर किसान होते थे, उनको कहा गया था वेल्ललाज। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेल्ललाज क्या होते थे? रिच पीजेंट्स, और इनको फोर्थ कास्ट माना गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फोर्थ कास्ट माना गया था वेल्ललाज को। अब दोस्तों, ये जो वेल्ललाज या रिच पीजेंट्स होते थे, ये खुद तो अपनी ज़मीन पर काम करेंगे नहीं, किसी लेबर को एम्प्लॉय करेंगे, और उस लेबर को कहा गया था कड़ाई सियार, जो कि लोवेस्ट क्लास वुमेन के लिए वर्ड यूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नाम आपको याद रखने होंगे। अब दोस्तों, जहाँ तक फोर कास्ट की बात है तो इसका मेंशन मिलता है टोलक्का पीएम में, और ये कास्ट कौन सी है? सबसे पहला अरासर, जो कि एक रूलिंग क्लास है, अंथनार, देन वनीगार, एंड आखिर में है वेल्ललार, जो कि एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे। अब दोस्तों, इसके अलावा हमको एक कम्युनिटी और देखने को मिलती है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया हुआ है पुलयंस। फ्रेंड्स, पुलयंस कौन होते थे? ये वो कम्युनिटी होती थी जो कि चारपाई वगैरह बनाती थी, तो उसके लिए ये वाली टर्म यूज़ की है। फ्रेंड्स, इस तरह की टर्म्स आपको याद रखनी होंगी, इस पे अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि संगम वाले पीरियड में शार्प इनइक्वलिटीज़ हमको देखने को मिलती है। फ्रेंड्स देखिए, जो हमने पिट बरियल देखे थे तो उसमें हमको जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उसमें हमको काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिले हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि शार्प इनइक्वलिटी हमको देखने को मिलती थी। जहाँ तक लोगों के रहने के लिए घर होते थे वहाँ पर भी हमको डिफरेंस देखने को मिलते हैं। कुछ लोग ब्रिक मोर्टार से बने घरों में रहते थे, कुछ लोग मड हाउसेज में रहा करते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आर्मी के कैप्टन होते थे उनको एनादी टाइटल दिया जाता था। जो सैनिक किसी लड़ाई में मारे गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, तो उनकी याद में बड़े बड़े पत्थर जो हैं उनको इरेक्ट किया जाता था, और उनके लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है? नादुकुल या फिर विरुक्कल। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नादुकुल या फिर विरुक्कल, और इसका मतलब क्या है? मेमोरियल स्टोन्स इन ऑनर ऑफ दोज हु डाइड वाइल फाइटिंग। दोस्तों, हमने देखा कि ब्राह्मण लोग इस फेज में तमिल लैंड पे आ चुके हैं, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिलता है। लेकिन जो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस था वो तमिल टेरिटरी के केवल एक छोटे से पार्ट में था, पूरी टेरिटरी में नहीं था, और उसमें भी जो अपर लेवल था केवल उसी अपर लेवल में हमको ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये सवाल पूछा जा सकता है कि पूरी की पूरी सोसाइटी जो है उस पर ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस था कि नहीं था, तो इस तरह से आपको सवाल पूछ के घुमाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये जो किंग्स होते थे ये वैदिक सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे। इनके चीफ गॉड कौन से थे? लॉर्ड मुरुगन, जिनको कहते हैं सुब्रमण्या। ये तमिल गॉड हैं, एंड दोस्तों इनको लॉर्ड कार्तिकेय भी कहते हैं। एंड फ्रेंड्स, इनसे जुड़ी जानकारी यह है कि मुरुगन वॉज ऑनर्ड विथ 6 अबोर्ड्स नॉन एज अरुपदई विडू। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि जो लॉर्ड मुरुगन है उनके 6 टेम्पल माने गए हैं तमिलनाडु में, और इसको कहा गया है अरुपदई विडू। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है। ब्राह्मणों के अलावा हमको बुद्धिस्ट और जैन भी इस दौरान इस एरिया में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, लॉर्ड मुरुगन के अलावा भगवान विष्णु, इंद्र और शिवा को भी ब्राह्मण लोगों ने साउथ इंडिया में पॉपुलराइज किया था।
जहाँ तक वुमेन की बात है, वो एजुकेटेड होती थी। हमने देखा था कि संगम एज में जो संगम असेंबलीज होती थी उसमें वुमेन पोइट्स भी हमको देखने को मिली हैं। इस दौरान सती प्रथा भी वहाँ पे होती थी, और उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, टिप्पा या डाल। फ्रेंड्स ये आपको याद होना चाहिए, इस पर सवाल बन सकता है। इसके अलावा एक टर्म और है, वो है चेवी लिट्टई, और ये फोस्टर मदर के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वुमेन से जुड़े दो टर्म है हमारे पास, टिप्पा या डल और दूसरा क्या है, चेवी लिट्टई। इन पे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि संगम एज में वुमेन की क्या पोजीशन थी, तो दोस्तों ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके हैं, वुमेन को रिस्पेक्ट दी जाती थी। ठीक है, हमको वुमेन पोइट्स भी देखने को मिले, जैसे कि अवैयार। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। जो महिलाएं थीं उनको अपना लाइफ पार्टनर चुनने की आज़ादी थी, लेकिन जो विडोज होती थी, जो विधवा होती थी, उनकी लाइफ काफ़ी दयनीय मानी गई है। एंड दोस्तों हमने देखा है कि किस तरह से सती की प्रथा जो है वो प्रचलित थी। दोस्तों ये जो संगम पीरियड था, ये 3rd century AD के बाद हमको इसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो 300 AD से 600 AD का पीरियड था, इसको डार्क एज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान तमिल कंट्री में पोस्ट संगम पीरियड में काल भ्रास का कब्जा हो जाता है, उनका कंट्रोल हो जाता है, और इसको हिस्टोरियंस डार्क एज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया सब कुछ संगम लिटरेचर के बारे में, संगम एज के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे पोस्ट मौर्यन एज की क्राफ्ट, ट्रेड एंड टाउन्स के बारे में। दोस्तों केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये जो 200 BC से 200 AD का पीरियड था, जिसमें शाकाज, कुशांस, सातवाहन, तमिल स्टेट्स हमने देखे, ये एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा फ्लोरिशिंग पीरियड माना जाता है, जहाँ तक क्राफ्ट एंड कॉमर्स की बात है। काफ़ी सारी क्राफ्ट एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिलती हैं, और इसका सोर्स क्या है, दीघ निकाय, महावस्तु, मिलिंद पानो, वहाँ पर हमको ये सब इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। माइनिंग, मेटलर्जी, आयरन टेक्नोलॉजी, कॉइन मिंटिंग, इन सब में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे सतका, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। ये सतका क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का क्लॉथ है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी मथुरा में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है येलेश्वरम। फ्रेंड्स ये जगह क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमको लार्जेस्ट नंबर ऑफ टेराकोटा फिगर देखने को मिलते हैं, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। अब दोस्तों इस पीरियड में हमने देखा था कि ट्रेड जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में। शुरुआत में ये ट्रेड लैंड्स के थ्रू होती थी, बट दोस्तों क्योंकि फिर काफ़ी सारे इन्वेजन होते हैं, तो लैंड वाला रूट इतना सेफ नहीं होता, तो फिर बाद में जो सी वाला रूट होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट पोर्ट्स कौन से थे, ब्रोच, सोपारा, अरिकामेडु एंड ताम्रलिप्ति। फ्रेंड्स ये आपको याद रखने होंगे, ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों कोस्ट थे जिनसे ट्रेडिंग होती थी। अब दोस्तों ट्रेडिंग होने के लिए कुछ पाथ भी डिसाइडेड थे, उनमें से एक पाथ है उत्तर पथा। दोस्तों ये ट्रेड रूट था कहाँ से कहाँ तक, तक्षशिला से पंजाब, फिर यमुना, देन मथुरा, देन उज्जैन और देन ब्रोच। एंड दोस्तों ब्रोच एक पोर्ट सिटी है, उससे फिर आप वेस्टर्न साइड में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों उत्तर पथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ट्रेड रूट हुआ करता था। अब दोस्तों जहाँ तक रोम और इंडिया के बीच की ट्रेडिंग थी, तो वो ट्रेडिंग मेनली लग्जरी गुड्स में होती थी, ना कि जो डे टू डे गुड्स होते थे उसमें। अब फ्रेंड्स ये इंडिया जो था, इसमें चाइना और जो सेंट्रल एशिया वाला एरिया है, इन दोनों से मटेरियल आता था। ठीक है, और फिर इसके बाद से रोमन एम्पायर में ये मटेरियल चला जाता था, तो ये रूट हुआ करता था। लेकिन जहाँ तक सिल्क की बात है, तो वो सिल्क डायरेक्टली सिल्क रूट से जाती थी, बट दोस्तों जब यहाँ पे पार्थियंस का रूल हो गया था, तो सिल्क रूट काफ़ी डिस्टर्ब होने लग गया था। तो उस केस में क्या होता था फ्रेंड्स, कि चाइना से इंडिया पहले सिल्क आता था, और फिर इंडिया से रोमन एम्पायर में सिल्क को भेजा जाता था। तो दोस्तों एक ट्रांजिट ट्रेड होती थी इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में, जहाँ तक सिल्क की बात है। तो फ्रेंड्स ये सवाल पूछा जा सकता है कि सिल्क का जो ट्रेडिंग थी, उसका रूट क्या था। दोस्तों हमने देखा था कि सातवाहन जो हैं लेड के कॉइन्स इशू करते थे, तो इनको लेड कहाँ से आता था, इसको रोम से इम्पोर्ट किया जाता था, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है।
सातवाहन एंड कुषाण दोनों को ही रोमन ट्रेड से प्रॉफिट मिलता था, लेकिन सातवाहन को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता था। क्यों? क्योंकि उनकी लोकेशन काफ़ी सही थी, पोर्ट्स के पास में इनकी लोकेशन हुआ करती थी। अब फ्रेंड्स, हमने देखा कि इंडिया और रोम के बीच में काफ़ी बड़े लेवल पे ट्रेडिंग हो रही है, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो इंडिया के फेवर में था। यहाँ पे रोमन राइटर हैं प्लिनी, उनकी एक कंप्लेंट थी, वो क्या थी? उन्होंने अपने अकाउंट नेचुरल हिस्ट्री में लिखा है कि इस ट्रेड की वजह से रोम का जो गोल्ड था वो पूरा का पूरा इंडिया में जा रहा था। ठीक है, और मेनली कौन से दो आइटम थे जिस पर काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर होता था? इंडियन पेपर, काली मिर्च जिसको कहते थे यवन प्रिया। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। और दूसरा था स्टील कटलरी। ठीक है, तो इन दोनों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे होती थी, और इसीलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इंडिया के फेवर में था। एंड दोस्तों, रोमन कॉन्टेक्ट की वजह से ही जो कुषाण लोग थे उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। उनका क्या टाइप था? दिनार टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन। फ्रेंड्स, ये सवाल पूछा जा सकता है कि दिनार टाइप गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो किसने इशू किए थे? तो जवाब होगा कुषाण लोगों ने इसको इशू किए थे। लेकिन दोस्तों, ये जो गोल्ड कॉइन होते थे ये डे टू डे ट्रांजेक्शन में इनको यूज़ नहीं किया जाता था, उसके लिए तो लेड, कॉपर और पोटिन के कॉइन ही यूज होते थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉपर कॉइन्स जिसने यूज़ किए हैं वो कौन थे? कुषाण। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है। एंड दोस्तों, ये इकोनॉमी इतनी ज़्यादा फल फूल रही थी उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि जो मेटल मनी था उसका काफ़ी डीप लेवल पे पेनिट्रेशन हो चुका था। अब फ्रेंड्स, ये जो क्राफ्ट एक्टिविटी ग्रो कर रही थी, कॉमर्स एक्टिविटी ग्रो कर रही थी, मेटल मनी ग्रो कर रही थी, तो इसका रिजल्ट क्या निकला? टाउन्स। इस दौरान हमको काफ़ी बड़े लेवल पे टाउन्स देखने को मिलते हैं, अर्बनाइजेशन अपने पीक पे होता है इस दौरान। लेकिन दोस्तों, थर्ड सेंचुरी आते आते कहानी में काफ़ी बदलाव होते हैं। रोमन एम्पायर इंडिया के साथ ट्रेड पे बैन लगा देता है, और फिर हम देखते हैं कि जो अर्बन सेटलमेंट थे डेकान में और दूसरे पार्ट में, वहाँ पे हमको डिक्लाइन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये जो सेकेंड टॉपिक था क्राफ्ट वाला, इसमें मैंने केवल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही आपको दी है जो हमारे प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक तो हमारा ख़त्म हो गया है, लेकिन अब हम करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज नॉट अमंग द मेजर रॉक इडिक्ट्स साइट्स ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। मतलब दोस्तों, मेजर रॉक इडिक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, और हमसे पूछा गया है कि कौन सी साइट मेजर रॉक इडिक्ट की साइट नहीं है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, आप उस पर नज़र मारिएगा। ठीक है, रिवाइज कीजिएगा, आपके फायदे की चीज़ है। पहला ऑप्शन क्या है? गिरनार। दोस्तों, यहाँ तो हमको मिले हैं, सोपारा महाराष्ट्र में यहाँ पर भी हमको मिले हैं, कंधार यहाँ पर भी हमको मिले हैं, सांची फ्रेंड्स यहाँ पे हमको नहीं मिले, यहाँ पे हमको पिलर इडिक्ट मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर पथ जो रूट है उसमें कौन कौन सी सिटी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये भी हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है, तक्षशिला, मथुरा एंड महिष्मति। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या होगा? तक्षशिला तो इसमें आता है, मथुरा भी इसमें आता है, महिष्मति इसमें नहीं आता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वन एंड टू ओनली। एंड दोस्तों, इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने आपको दी है, आप इस स्लाइड में भी इसको देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? दिस बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स द एडवाइस गिवन बाय बुद्धा टू ए वेल्दी हाउस होल्डर नेम्ड सिगाला अबाउट हाउ टू लुक आफ्टर वंस सर्वेंट। विनय पिता का, सुत पिता का, अभिधम्मा पिता का एंड माध्यमिका। फ्रेंड्स देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, हमने देखा था कि जो सुत्त पिता का है उसमें बुद्धा की टीचिंग्स हैं। ठीक है, तो वही सवाल यहाँ पे पूछा गया है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सुत्त पिता का। एंड फ्रेंड्स, मतलब ऑप्शन बी। एंड इसके बारे में दोस्तों डिटेल इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें सात वाहन के संबंध में तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला, दे रूल्ड ओवर सेंट्रल इंडिया एंड मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अब दोस्तों, मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ये तो गलत है। सातवाहन रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू नेम्स डिराइव फ्रॉम दे मदर। दोस्तों, हमने देखा था गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र, तो ये तो सही हो जाएगा। अगला क्या है? मैनी सातवाहन रूलर्स ऑल्सो अडोप्टेड द टाइटल देवपुत्रा या फिर सन ऑफ गॉड। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स देखिए ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, इसलिए आपको मल्टीपल रिवीजन करने होंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाओगे। दोस्तों ये टाइटल था कुषाण किंग के लिए, ठीक है, सातवाहन के लिए ऐसा नहीं था। तो सही इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, मतलब टू ओनली। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स इसमें लैंड ग्रांट्स को लेकर दो सवाल पूछे गए। सबसे पहला, लैंड ग्रांट वर द प्रिवेलेंट मोड ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग मौर्यन एंड कुषाण पीरियड। फ्रेंड्स हमने देखा था कि सातवाहन किंग में हुआ था ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मणाज एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिकम अ रीजन फॉर द इरोजन ऑफ रॉयल कंट्रोल। सही बात है दोस्तों, जब आप अपनी टेरिटरी किसी को दे दोगे, ठीक है, तो आपका कंट्रोल तो कम हो ही जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मतलब टू ओनली। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे वर्ण सिस्टम को लेके तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला, वर्ण सिस्टम वॉज कोडिफाइड इन धर्म सूत्राज एंड धर्म शास्त्राज। दोस्तों सही बात है, द वर्णा ऑफ एन इंडिविजुअल वॉज द सोल क्राइटेरिया फॉर हिज और हर फॉर इंटाइटलमेंट टू वेल्थ। मतलब दोस्तों अगर आपको वेल्थ लेनी है तो उसका सोल क्राइटेरिया क्या है, आपका वर्ण। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, दोस्तों गलत है, क्योंकि दूसरा क्राइटेरिया भी होता था, वो क्या था, आपका जेंडर, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, अनटचेबल्स वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फोर वर्णाज। फ्रेंड्स अनटचेबल्स वर्ण सिस्टम से बाहर थे, ठीक है, शूद्रा तक ही वर्ण सिस्टम होता था, अनटचेबल उसमें शामिल नहीं होते थे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वन ओनली। अब दोस्तों इसके बारे में डिटेल्स इस स्लाइड में दी हुई हैं, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बुद्धिस्ट संघा के बारे में तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, ओनली मैन, केवल पुरुष ही संघा को ज्वाइन कर सकते थे। दोस्तों गलत बात है, हमने तो इसको देखा भी था कि जो बुद्धा की फोस्टर मदर थी उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया था। इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑल मेंबर्स वर रिगार्डेड एज इक्वल, मतलब सब लोगों का स्टेटस सेम था। दोस्तों ये सही है, तभी हम कहते थे कि काफ़ी डेमोक्रेटिक और लिबरल संघ हुआ करते थे। तीसरा क्या है, डिसीजन ऑन डिबेटेबल सब्जेक्ट्स वर टेकन बाय असेंबली ऑफ एल्डर्स। दोस्तों ये गलत बात है, एल्डर्स की कोई असेंबली नहीं होती थी, वोट के आधार पे डिसीजन लिया जाता था अगर कोई डिबेटेबल सब्जेक्ट है तो, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, टू ओनली। आज सारे ही ऑप्शन बी सही हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम देखेंगे, जहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है कि तीन बुद्धिस्ट स्तूपा दिए गए हैं और हमको बताना है कि साका सातवाहना पीरियड से किसका संबंध है, रामभर स्तूपा, नागार्जुन कोंडा, सांची स्तूपा। दोस्तों देखिए जो सांची स्तूपा है ये तो अशोकन टाइम का है, नागार्जुन कोंडा ये सातवाहन का है, और दोस्तों रामभर स्तूपा, फ्रेंड्स ये क्या है, ये वो स्तूपा है जब बुद्धा की डेथ हुई थी तो जिस साइट पे डेथ हुई थी वहाँ पे इसको बनाया गया था, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिलेगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टू ओनली। दोस्तों ये जो रामभर स्तूपा है ये कुशीनगर में है, लॉर्ड बुद्धा की क्रिमेशन साइट है, और इसको मुक्त बंधन चैत्य या फिर मुक्त बंधन विहार के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसने बनवाया था, जो मल्ला किंग्स उस समय हुआ करते थे उन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टॉपिक करंट न्यूज़ में भी था, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे रखा है, रामभर स्तूपा कुशीनगर, इसको मुक्त बंधन चैत्य या विहार भी कहते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, कुठाग्रशाला इसका क्या मतलब है। फ्रेंड्स ये टर्म मैंने डिस्कस नहीं की थी लेकिन मेरे नोट्स में है जब मैंने बुद्धिज्म समझाया था। फ्रेंड्स कुठाग्रशाला क्या होता है, ऑप्शन डी, अ होल्टिंग प्लेस वेयर जनरली फिलोसॉफिकल डिस्कशंस अमंग फॉलोअर्स ऑफ वेरियस सेक्ट वर हेल्ड। दोस्तों ये एक तरह का बिल्डिंग होती थी, ठीक है, जहाँ पे तरह तरह के लोग आते थे और फिलोसॉफिकल डिस्कशंस वगैरह करते थे, इसको कहा था कुठाग्रशाला। दोस्तों ये एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कीजिएगा, ठीक है। अब आज का लास्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपन्ड अर्लीस्ट। दोस्तों इस तरह के काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं तो आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल ऑफ मगधा फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र।
फ्रेंड्स ये वाला इवेंट कब हुआ था? ये उदयन ने किया था और आई थिंक 460 से 444 BC के बीच में ये हुआ होगा। दूसरा क्या है, वर्धमान महावीर अटेंड कैवल्य। फ्रेंड्स महावीर की बर्थ कब हुई थी? 540 BC में, और 42 ईयर्स में उनको कैवल्य मिल गया था, मतलब ये तकरीबन 498 BC की बात है, ठीक है। फिर क्या है, अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। फ्रेंड्स ये कब हुआ था? ये 326-25 BC में हुआ था। अशोका हेल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। फ्रेंड्स ये कब हुआ था? ये हुआ था 250 BC में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अशोका हेल्ड द बुद्धिस्ट काउंसिल। यहाँ पे अर्लीस्ट इवेंट पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस तरह से टाइमलाइन वाले क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, इस पर काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।